ढेर सारे सेक्टर्स है, ढेर सारे कंपनीज है जिनकी अर्निंग्स आने वाली है, तो अगर किसी सेक्टर की अर्निंग्स आ जाती तो किन चीज़ों पे किसी इन्वेस्टर को फोकस करना चाहिए, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे तीन चीज़ों पे ध्यान रखना होगा Q4 के अर्निंग्स में। पहला तो एबिट मार्जिन कहाँ पे आ रहा है, पिछले काफ़ी क्वार्टर्स में हमने एक डाउन ट्रेंड देखा था, तो कैसा अभी मार्जिन स्टेबलाइज हो रहा है कि बढ़ रहा है कि नहीं, इस चीज़ पर ध्यान रखनी होगी। गाइडेंस क्या है, डिमांड आउटलुक की क्या एक्सपेक्टेशन है मैनेजमेंट कॉमेंट्री में, इस पर नज़र रखनी होगी। और काफ़ी सारे आईटी कंपनीज में हमने लीडरशिप चेंजेस सुने थे, तो ट्रांजिशन कैसा होगा इस पे क्या कमेंट्री आ रही है, इस पे भी ध्यान रखनी होगी। ऑयल एंड गैस स्पेस की अगर हम बात करें तो उसको हमने डिवाइड कर दिया, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में मार्केटिंग बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा हुआ है फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY23 में, ये इंपॉर्टेंट होगा जानना। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में मार्जिन और वॉल्यूम ग्रोथ कैसा रहा है ये जानना इंपॉर्टेंट होगा। और रिलायंस इंडस्ट्रीज में ऑयल एंड गैस केमिकल का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, GRM नंबर्स कैसे थे, इन चीज़ों पर ध्यान रखनी होगी। अब मेटल सेक्टर की अगर हम बात करें तो उन मेटल कंपनीज में डेट कैसा परफॉर्म किया, अभी डेट के जो नंबर्स है वो हाफ ईयरली डिस्क्लोज किए जाते हैं, तो इस क्वार्टर के बाद डिस्क्लोज करेंगे, तो इस क्वार्टर में पूरे साल में डेट नंबर क्या कम हुआ है कि नहीं, इस पर ध्यान रखनी होगी। और उसी के साथ कॉस्ट ट्रेंड्स कैसे मूव कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो स्टील कंपनीज में पेटकोक का कॉस्ट करीब 25% गिरा है अपने पीक से, तो कैसे कॉस्ट ट्रेंड्स प्ले आउट हुए हैं सिमेंट मेटल कंपनीज के लिए, इस पर ध्यान रखना होगा। अब ऑटो सेक्टर की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट की कमेंट्री रूरल डिमांड को लेके कैसा आ रहा है, कैसा आउटलुक है कंपनी का रूरल डिमांड को लेके, इस पे ध्यान रखना होगा। और कमोडिटी कॉस्ट ट्रेंड कैसे जा रहा है, क्योंकि हाल ही में काफ़ी सारे मैनेजमेंट्स ने ऐसा कहा था कि जो कमोडिटी कॉस्ट है वो उनके लिए बढ़ रहे हैं, तो उसके से मार्जिन पे एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अब बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो लोन ग्रोथ देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि काफ़ी हाल में कमेंट्रीज थी कि लोन ग्रोथ अभी स्लो हो रही है, तो लोन ग्रोथ पे आउटलुक क्या है ये जानना इंपॉर्टेंट होगा। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैसे चल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे रेट हाइक्स हुए थे, तो क्या पास ऑन हुए हैं कि नहीं, क्या मार्जिन स्टेबलाइज हुए हैं कि नहीं, और RBI का रेट पॉज होने के कारण NIMs पे आउटलुक क्या है ये जानना भी इंपॉर्टेंट होगा। और आखिरकार FMCG कंपनी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे EBITDA मार्जिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि कंपनी कैसा अपना कॉस्ट मैनेज कर रहा है ये जानना इंपॉर्टेंट होता है। और कोई कंपनीज के लिए वॉल्यूम ग्रोथ देखनी होगी तो किसी QSR कंपनीज के लिए या रिटेल कंपनीज के लिए सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का नंबर इंपॉर्टेंट होगा ट्रैक करना। और आखिर में इन्फ्लेशनरी ट्रेंड और डिमांड पे क्या कॉमेंट्री आ रही है मैनेजमेंट की, ये ट्रैक करना भी इंपॉर्टेंट होगा FMCG कंपनीज में।